पर दुख का मूल कारण भी तो यही है ऋषि भृगु। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है, उसे भंग कर देती। हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती, प्रमाद मद होता है और मद अहंकार का स्रोत है और अहंकार पूर्णता शुभता में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आसक्ति अशुभता की जननी, इसलिए अनावश्यक है। तो प्रभु, आसक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है और हम आसक्ति से कैसे उबर सकते हैं? प्रभु, आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराए का भेद मिटाना अनिवार्य है। और यह तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं अपने भीतर करें, जब हम यथार्थ को पहचान उसे स्वीकार करें। हम अपने सुख को सांसारिक तत्वों से परिभाषित नहीं करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे हम बंधते जाएंगे। जब हम स्वयं अपने भीतर झांकना आरंभ करेंगे हमारी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता जाएगा। महादेव, आपने हमें दुख का कारण तो बता दिया। प्रभु, ये विवाह मुझे स्वीकार्य नहीं है। प्रभु, मैं मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी संबंध मेरे भक्ति को विभाजित या बाधित करने का कारण बने। नंदी, विवाह तुम्हें मेरी भक्ति के लिए अयोग्य कैसे बना देगा? उसमें बाधा कैसे उत्पन्न कर देगा? माता, आपके और प्रभु के बीच में इतनी चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हुई, फिर भी आप दोनों स्थिर रहे, किंतु मेरे लिए ही यह संभव नहीं है माता, क्योंकि मैं अपने दायित्व के मार्ग में कोई भी विकर्षण सहन ही नहीं कर सकता। नंदी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? पहले तो तुम केवल मेरे प्रति ही समर्पित थे, किंतु अब तुम मेरे साथ साथ पार्वती की भी आराधना करते हो। क्यों? प्रभु, माता आपके अर्धांगिनी है, आपकी पूरक, जिस प्रकार आप उनके पूरक है। आप माता के कारण आनंदित रहते हैं, उनकी उपस्थिति आपको प्रसन्नता देती है, अन्यथा आपको इतना हर्षित उनसे पहले मैंने कभी नहीं देखा है। फिर कुमार कार्तिकेय का जन्म, अशोक सुंदरी का जन्म और फिर हमारे गणेश का जन्म। प्रभु, इस प्रकार मैंने कैलाश को पूर्ण होते हुए देखा है और यह सब माता के कारण ही हुआ है। प्रभु, जिस कैलाश में आप वास करते थे उसे माता ने निवास बना दिया, इस कैलाश को संपूर्ण कर दिया।
अर्थात? अर्थात व्यक्ति की पूर्णता हेतु विवाह आवश्यक है नंदी। जैसे स्वामी और हम एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार तुम्हारी अर्धांगिनी और तुम एक दूसरे के पूरक बनोगे। विवाहित जीवन की अनुभूति, परिवार का सुख, उसके सुख और उसकी सुरक्षा के लिए संघर्ष, ये सभी अनुभूतियां व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है नंदी। किंतु प्रभु, मेरी स्वतंत्रता? स्वतंत्र तो वो नहीं है नंदी जो विवाह के विचार से भयभीत तो होते हैं या संकोच करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता तो वो है जो किसी भी विचार से प्रभावित ना हो, किसी भी सुख किसी भी दुख से प्रभावित ना हो। और जो व्यक्ति इतना तटस्थ हो, जागरूक हो, उसकी स्वतंत्रता को तो विवाह से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। और फिर क्या गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदर, ये सभी विवाह उपरांत परिवर्तित हो गए? क्या उनका विवाहित होना उनकी भक्ति और उनके समर्पण में बाधा बन गया नंदी, उनकी स्वतंत्रता में बाधा बन गया? क्या अपने माता पिता के प्रति उनका प्रेम और उनका सेवा भाव घट गया नंदी? फिर मेरे एक और पुत्र को यह चिंता क्यों? ये भय क्यों नंदी? अग्नि जलाती है, जल बुझाता है, दोनों के कार्य क्षेत्र पूर्व परिभाषित और भिन्न है, दोनों एक दूसरे को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। इसी प्रकार इस समस्त संसार में सभी की भूमिका पूर्व परिभाषित, संसार की यही विविधता इसकी विशेषता भी है। सृष्टि के निर्माण उपरांत एक बार नारायण ने तप के लिए महादेव से उत्तम स्थान के निर्देश की याचना की। महादेव ने अपनी प्रेरणा से समस्त तेज संपन्न अत्यंत शोभायमान पंचकोशी नगरी का निर्माण किया। वहां उपस्थित होकर नारायण ने बहुत काल तक तपस्या की। नारायण की तपस्या के अनंतर ही उस क्षेत्र में महादेव की कृपा से अनेक नदी नद सरिताएं उत्पन्न हुई। सबको देखकर आनंदमयी हो उठे नारायण ने जैसे ही अपना शीश हिलाया, उनके कान की मणि गिर पड़ी। मणिकर्णिका के उस पंचकोश वाले विस्तृत क्षेत्र को महादेव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया। महादेव ने अपनी शक्ति से उस पंचकोशी तीर्थ को सभी 14 लोकों से पृथक रखा और आगे इन सबसे अलग उसको मृत्युलोक में स्थापित किया। नारायण की यह मणिकर्णिका हमारे द्वारा निर्मित इस विश्व में स्थान पाए और
और सभी जीवों को हमारी ओर लाने का साधन बने। महादेव, आपने कहा था कि आप इसे इस लोक में स्थापित करेंगे, अब समय आ गया है। महादेव की कृपा से उस मणिकर्णिका का विस्तार पंचकोश तक हो गया। ये मणिकर्णिका पंचकोश की काशी बनकर इस पृथ्वी पर सदैव रहेगी। ये अविनाशी है चिरकाल तक, सृष्टि के अंत के पश्चात भी इसका अंत नहीं होगा। ये भूमि मुझे सदैव प्रिय रहेगी। क्या तप करके स्वयं नारायण तीनों लोकों को प्रकाशित किया, इसीलिए ये मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं इसे कभी भी नष्ट और विनष्ट नहीं होने दूंगा। ब्रह्मदेव, जब संसार के आवर्तन के पश्चात प्रलय आएगा, मैं इस काशी को पुनः अपने त्रिशूल पर धारण करूंगा और नवीन संसार में पुनः स्थापित करूंगा। तो यहां मेरा अस्तित्व सदैव रहेगा। महादेव ने उस क्षेत्र से अपने आत्मिक योग को ध्यान में रखते हुए अपने ज्योतिर्लिंग को वहां स्थापित किया, जो इस क्षेत्र से कदापि पृथक नहीं हो सकता। विश्व की स्थापना तो हुई, किंतु इस ज्योतिर्लिंग को आपने उस स्थान पर स्थापित किया है जिसकी ऊर्जाएं विश्व से परे हैं। इस ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। महादेव उस काशी को अपने त्रिशूल पर प्रलय और अनिष्ट की स्थिति में धारण कर उसका संरक्षण करते रहते हैं। इसीलिए ये क्षेत्र सभी लोगों से न्यारा है। नारायण की मणि गिरते ही उस स्थान का नाम मणिकर्णिका तीर्थ पड़ गया। और दुख का मूल कारण भी तो यही है ऋषि भृगु। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती, उसे भंग कर देती। बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती, प्रमाद मद होता है और मद अहंकार का स्रोत है। और अहंकार पूर्णतः शुभता में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात आसक्ति अशुभता की जननी। इसलिए अनावश्यक है। तो प्रभु, आसक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, और हम आसक्ति से कैसे उबर सकते हैं? प्रभु, आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति।